हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर करेंगे कढ़ाही पनीर की रेसिपी। यहाँ पे हमने लगभग आधा किलो पनीर लिया है। इसके साथ ही यहाँ पे हमने शिमला मिर्च लिए हैं, ये दो हैं। यहाँ पे हमने नॉर्मल मीडियम साइज़ के 6 प्याज लिए हैं और यहाँ पे हमने 6 टमाटर लिए हैं। इसके साथ ही इसमें हम कुछ तड़के लगाएंगे। यहाँ पे जैसे कि हमने तेजपत्ता 1 लिया है, 1 दालचीनी लिया है, 2 लौंग लिए हैं और आधा चम्मच खड़ी धनिया ली है। यहाँ पे हमने 1 आड़ी लहसुन का लिया है और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसका हम पेस्ट बना लेंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हमने कुछ ड्राई मसाले लिए हैं, जैसे 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच खड़ी धनिया, लाल मिर्ची और 1 से 1.5 चम्मच काली मिर्च। आप तीखा इसमें अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी सब्जी है। अब शुरू करते हैं इसकी रेसिपी को। सबसे पहले हम इन मसालों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे और इसको हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। इसको बहुत पतला नहीं ग्राइंड करेंगे, एकदम नॉर्मल सा ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे हमने मसालों को पीस लिया है और इसके साथ ही हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने 4 प्याज लिए थे, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे हमने देखिए प्याज को कद्दूकस कर लिया है और इसके साथ ही टमाटर की प्यूरी भी तैयार कर ली है। और इसी के साथ हम इन सब्जियों को बड़े बड़े क्यूब्स में कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हमने शिमला मिर्च, टमाटर और प्याज के बड़े बड़े टुकड़े काट लिए हैं। साथ ही हमने यहाँ पे पनीर को भी पीसेस में काट लिया है। अब हम इसको सॉटे कर लेंगे और इसके बाद हम एक एक करके इन सब्जियों को हल्का हल्का सा सॉटे कर लेंगे। इसमें हल्का सा ऑयल ऐड करेंगे। यहाँ हमने ऑयल को गर्म करके इसमें प्याज को डाल दिया है। अब ये हल्का सा सॉटे हो जाएगा। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। देखिए प्याज यहाँ हमारे ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हमने शिमला मिर्च भी डाल दिया है। अब इसको भी हम तेज आंच पे सौते करेंगे। देखिए शिमला मिर्च हमारे यहाँ पे रेडी हो गए हैं। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। टमाटरों को अब बाहर निकाली। सब्जियाँ ये रेडी हो गई हैं। यहाँ पे हम पनीर को हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। आप चाहें तो इसको कच्चा भी ऐड कर सकते हैं। इसमें वही कढ़ाई चढ़ाई है जिसमें थोड़ा सा ऑयल भी है। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल और ऐड करेंगे, लगभग 3 से 4 चम्मच। ऑयल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें ये सूखे मसाले ऐड कर देंगे। मसाला डालने के बाद हमने इसमें प्याज डाल दिया है। जो प्याज हमने कद्दूकस किया था वही प्याज हमने इसको डाला है। अब हम इसको ब्राउन कर लेंगे अच्छे से। देखिए प्याज हमारा यहाँ पे ब्राउन हो गया है। अब हम इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हमने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है। अब हम इसको भी अच्छे से भूनेंगे जब तक इसमें से लहसुन की स्मेल खत्म नहीं हो जाती है। देखिए यहाँ हमारा लगभग अदरक लहसुन का पेस्ट भुन गया है। अब हम इसमें 1/2 चम्मच हल्दी का ऐड करेंगे। 1 चम्मच हल्दी डाल दिया है। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे और इसके बाद टमाटर की प्यूरी डाल देंगे और उसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। यहाँ पे हमने टमाटर प्यूरी डाल दी है और इसके साथ ही इसमें 1/2 चम्मच नमक का भी डाल दिया है। आप नमक अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से इस पेस्ट को अब भूनेंगे। ऑयल देखिए रिलीज कर दिया है। अब हम इसमें कलर लाने के लिए थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च ऐड करेंगे। लगभग ये 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च इसमें मैंने डाली है। अब इसी के साथ हम इसमें इन सब्जियों को भी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब हम सब्जियों के साथ ही इसमें जो मसाले हमने ड्राई रोस्ट किए थे उसको डाल देंगे। ये लगभग हम 2 चम्मच डाल रहे हैं और इसको मिक्स कर देंगे। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले से ही इसको रोस्ट किया था। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमने मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसमें 1 से 1.5 कप गर्म पानी ऐड करेंगे। इसमें हम ठंडा पानी नहीं यूज़ करेंगे,
गर्म पानी से इसका टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। और पानी की क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रखिए, बट थोड़ा थिक होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमने 1 से 1.5 कप पानी ऐड कर दिया है। इसकी थिकनेस हम इतनी ही रखेंगे, बहुत पतला ये नहीं अच्छा लगेगा। इसी के साथ हम इसमें पनीर भी ऐड कर देंगे और इसको 2 से 3 मिनट के लिए ढक के सिम आंच पे छोड़ देंगे। देखिए यहाँ पे सब्जी हमारी पक रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा क्रश हुआ हुआ कसूरी मेथी डाल देंगे। बस 2 से 3 मिनट हम इसको और पकाएंगे, हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको खोल लेंगे और इसमें हम क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहे तो फ्रेश मार्केट का भी क्रीम ले सकते हैं या घर की फ्रेश मलाई को भी फेंट के डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने घर की मलाई का यूज किया है। देखिए यहाँ हमारी गर्मा गर्म कढ़ाही पनीर बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये एकदम रेडी है सर्व के लिए। आप चाहें तो इसको सर्व करते समय ऊपर से जो मसाला आपने ड्राई रोस्ट किया था वो भी हल्का सा डाल के सर्व कर सकते हैं। और अगर आपको ये रेसिपी मेरी पसंद आई हुई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।